फिर इधर ही से उतरना पड़ेगा। अगर मेन इशू देखी थी गलत वो काटी है के हिसाब से हम गाड़ियां सीज कर रहे हैं। उसके अलावा हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसको लिखा है, पुलिस को भी लिखा है। हमारा एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑर्डर नंबर 1569 है, जिसमें सभी लोग मेंबर हैं, तो उसको भी लिखा हुआ। और मोस्ट ऑफ द गाड़ियां रात को चलती हैं, तो हमारे पास इतनी मैन पावर है नहीं कि रात को हम वो रखें, ना ही हमारे पास ऑफिशियल व्हीकल है कि रात को हम वहाँ जा पाएँ। तो जितना हो सकता है उतना हम कवर कर रहे हैं। और हमारे पास सिर्फ मेरे पास दो आदमी हैं जिनको लेकर के मैं डिस्ट्रिक्ट के हर हिस्से में हर वक्त मौजूद नहीं हो सकता। एक्चुअली हमने बहुत बार उसको, अगर आपने देखा होगा तो हमने लास्ट टाइम भी उनको वहाँ पे जो वो रेत निकालते हैं हमने उसको सीज़ किया था, बट एट टाइम पुलिस उसको लेती नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पर फिर आदमी खड़े करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर होते नहीं। जैसे पार्डर में हमने वो रेत सीज़ की थी, तो वहाँ पे हो गई, क्योंकि उसका एग्ज़िट पॉइंट एक है। और जहाँ बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे पुलिस का कोई नाका नहीं है, तो पुलिस के लिए भी शायद प्रॉब्लम हो जाती, तो इसलिए पुलिस की नाकामी होती है कि वो उसको वहाँ पे स्पेशल उनको पोस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक जगह हमने एक बार वो किया था, वो गायबी हो गई, उसको कुछ पता ही नहीं चला। आप देख लो, अगर डिपार्टमेंट इलीगल माइनिंग को शेल्टर कर रहा होता तो ये दिन में भी करते। अगर डिपार्टमेंट शेल्टर कर रहा है तो ये दिन में क्यों नहीं करते, क्यों रात में करते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसपोर्टेशन रात में होती है, ऑड आवर में करते हैं, जहां हम जाते हैं गाड़ियाँ भाग जाती हैं। अगर हमारा शेल्टर है तो क्यों भागती हैं? लेकिन वही कि एक डिपार्टमेंट्स में, सभी डिपार्टमेंट में सिनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि एक GADA का ऑर्डर है 1569 2018 में, वो इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए मल्टी डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स बनाई हुई है। अगर उसमें दूसरे डिपार्टमेंट अपना योगदान नहीं देंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास सिर्फ दो आदमियों को मैं कहाँ ले जाऊँ, ऑफिस खोलूँ? ऑफिस के काम करने के लिए मेरे पास जूनियर असिस्टेंट भी नहीं है, आप देख रहे हैं। मुझे ही सारा काम करना पड़ता है। मैं एक आदमी को लेके इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ कहाँ पहुँच सकता हूँ? इस साल में हमने तकरीबन कोई 5 से 6 लाख के बीच में जुर्माना किया है। यहाँ तो अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ हमने सीज की है। मैं बाकी अपने डिपार्टमेंट के अलावा, जहाँ तक मेरी बात है, जब हम एक बार गाड़ियाँ सीज कर रहे थे तो आप के साथ 2-3 आपके साथी वहाँ पे थे, आपने सारा वो ड्रामा देखा। अगर दो गाड़ियों को सीज करने के लिए 3 घंटे लगे, वो भी रात के टाइम, अगर कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो मैं अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊँगा, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो है ही नहीं। इनफैक्ट मेरे पास मैन पावर ही नहीं है। मैं ये बताओ कि एक दो आदमियों को लेकर उनको दिन में काम कराऊँ या रात में काम कराऊँ? तो आपने तो सामने आपने देखा था, आप वहाँ पे मौजूद थे। अगर मेरे साथ में होता तो वो, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर मैं उनके साथ होता तो वो दिन में क्यों नहीं करते? वो दिन में भी कर सकते हैं। देखो, मुझे नहीं पता कौन सपोर्ट कर रहा है। अगर आपके पास कोई हमारे पास ठोस सबूत हैं तो बताओ, फिर हम जाकर के डी साहब से बोलते हैं। डी साहब तो नहीं मेरे ख्याल से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या SSP साहब तो नहीं जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहा होता तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना कि वो दिन में क्यों नहीं करते हैं?
सिंपल सी बात है, अगर मेरी सपोर्ट है, अगर जैसे मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं आपके पास दिन में आऊँगा, मैं रात के अंधेरे में क्यों काम करूँगा?